हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो अभी हम लोगों को क्या करना है देखना है। और उसका टाइम पीरियड बेसिकली हमको निकालना है। हमारा असल मुद्दा क्या है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। पहली बात, इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें लगेंगी आपको, जो आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है। नहीं पता है तो पहले मैं वो रिवाइज कराऊंगा। फिर ये इसका कौन सा, बच्चों को समझ में नहीं आता है कैसे वाइब्रेट कर रहा है, क्यों वाइब्रेट कर रहा है, सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा एक एक करके। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ये वाला डेरिवेशन आपको अगर करना है तो, समझना है तो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेसिक्स, क्योंकि इसमें अच्छी खासी अपने को बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है। जो आपको नहीं पता है तो पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ निकाल दिया है आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से, अब मेरे समझ नहीं आ रहा है इन लोगों ने क्या किया है। तो ये आपका क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यानी हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सेम है। ये मतलब होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ पे जाके एंड नहीं होती है। ये गलत नहीं पढ़ना है, एंड नहीं होती है। अगर आप ऐसे मैग्नेट लेते हो, पहले चार्ज बता देता हूँ, प्लस और माइनस अगर चार्ज लेंगे तो ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे एंड हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव पे एंड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ पे जाता है, फिर साउथ से नॉर्थ पे आता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स, ये ब्रेक नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेक हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ब्रेक नहीं होती है। वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और उसके बाद साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो अभी तो मैग्नेट के बाहर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसको ऐसे इमेजिन करना है आपको कि बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई आपका नॉर्थ पोल रखा हुआ है और यहाँ पर आपका क्या है, कोई साउथ पोल रखा हुआ है। समझ में आ गया, क्लियर है? ये बना के नहीं देता है टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपको इमेजिन करना है। समझ में आ गया, एक्चुअली यही केस है। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, वहाँ पर साउथ पोल है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। समझ में आया, क्लियर है? इसके बाद जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है टेस्ट चार्ज, यही गड़बड़ होती है। अगर ऊट पटांग इधर उधर चैप्टर पढ़ाओगे तो बच्चों को पढ़ा ही नहीं, पता ही नहीं होता है। अब टेस्ट चार्ज, बच्चों को चार्ज पढ़ाने ही मना कर दिया स्टेट बोर्ड वालों ने कि चार्ज ही मत पढ़ाओ, तो टेस्ट चार्ज क्या पढ़ेगा बच्चा फिर? जैसे एक टेस्ट चार्ज होता है जो टेस्टिंग के काम में आता है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, बिल्कुल वैसे ही हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है। आप बोलेंगे ये क्या बात हो गई? हाँ, ऐसे इमेजिन किया जाता है। ऐसे सिंगल कोई पोल होता नहीं है मैग्नेट में। आप इसको कट कर दोगे तो यहाँ नॉर्थ वहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ वहाँ साउथ बन जाएगा। समझ में आ गया। लेकिन हमको जब थ्योरेटिकली डेरिवेशंस करने होते हैं तो हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है या आइसोलेटेड साउथ पोल है, माना जा सकता है उसको। ठीक है ना, और इनके पोल की स्ट्रेंथ को एक हमने टर्म दिया है जिसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? बुक में उसको क्यू एम बोला है, मैग्नेटिक चार्ज। मुझे बिल्कुल भद्दा वर्ड लग रहा है, मैग्नेटिक चार्ज बोलना ही नहीं चाहिए उसको। ऐसा मैग्नेट में चार्ज का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया, क्लियर है? तो ये मेरे हिसाब से तो प्रॉपर वर्ड नहीं है। पोल स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम बुक्स में दिया होता है, रसनिक हेलिडन वॉकर, एस डी यंग एंड फ्रीडमैन, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, कंसेप्चुअल फिजिक्स, पॉल जे हेविट, इतनी सारी किताबों में यही लिया गया है पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ ही लूंगा मैं। तो आपकी बुक में जो क्यू एम लिया हुआ है ना मैग्नेटिक चार्ज, उसको आप प्लस एम से लेंगे और माइनस क्यू एम को आप क्या बोलेंगे, माइनस एम। ठीक है, दोनों के दोनों का मतलब क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। क्या है ये? पोल स्ट्रेंथ, यानी आसान भाषा में इस पोल की स्ट्रेंथ कितनी है। समझ आ रहा है? पोल की स्ट्रेंथ अलग अलग भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी डिस्कशन आ गया तो बता दो, इंटरेस्टिंग है ये। तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट आपने देखा होगा मिलता है, तो बार मैग्नेट है एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है ना, लैब में भी जाओगे तो आपको बार मैग्नेट, इतना तो इक्विप्ड हो गया हमारा भी, लोकल कॉलेजेस में भी आपको बार मैग्नेट वगैरह तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। मैं एक कॉलेज में एक्सटर्नल बन करके गया था, एक्सटर्नल एग्जामिनर बन करके गया था, वहाँ पर मॉडरेटर था हमें उसके जो आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। तो उस कॉलेज में मैं गया और नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं, तो वहाँ पर एक ही लैब में सब पढ़ाते थे। वो स्कूल से अटैच जूनियर कॉलेज था, मतलब बेसिकली क्या था, वो 12th तक था, जूनियर से लेकर के कहाँ तक था, 12th तक था। तो वहाँ पर तो क्या था, वहाँ पर कोई लैब अलग अलग नहीं थी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ये सब की लैब अलग अलग नहीं थी। आपको क्या कर, वहाँ पर एक ही लैब में सब था, एक ही लैब में फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, और मैथ्स का तो अलग क्लासरूम में होता है सब कुछ। समझ में आ गया, तो ऐसे हुआ करता। तो अभी मेरे ख्याल से इतना वेल इक्विप्ड हो गया है,
थोड़े साल पुराने की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो इतना लोकल लेवल पे भी कॉलेजेस में आपको लैब में सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी, ठीक है ना। तो हाँ, मैं कहाँ पर था, मैं यहाँ पर था कि हाँ, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये नॉर्थ और एक साउथ पोल, ठीक है ना, यानी बेसिकली एक बार मैग्नेट। तो मैं कहाँ पर था कि इसकी पोल स्ट्रेंथ अलग अलग हो सकती है, तो आपने एक बार मैग्नेट लिया, वो बार मैग्नेट को आप क्या कर दो, कोई एक साइड पकड़ो, मान लो मैंने नॉर्थ पोल पकड़ा और नॉर्थ पोल को पकड़ के हथौड़ी से पीट दिया मैंने उसको, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर। अब क्या, जैसे ही इसको मैं हथौड़ी से पीट दूंगा तो नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और साउथ पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उसकी तो उतनी रहेगी, इसकी कम हो जाएगी। ये कैसे समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में आएगा, एक डब्बा लो और डब्बे के अंदर कीले भर दो, नेल्स होते हैं कीले, कीले कीले भर दो और क्या करो, इसको ये एंड से डुबाओ, डुबाओ मतलब इसको ये एंड से डिप करो उसके अंदर, तो कुछ ही कीले क्या होंगे, कुछ ही नेल्स क्या होंगे इसमें ऐसे अट्रैक्ट होकर के आएंगे। मान लो इस एंड से डुबाया, नॉर्थ से जहाँ पर पीटा था, तो दो नेल्स यहाँ पर अट्रैक्ट होकर के आ जाए आ गए, लेकिन जब इस एंड से उसको क्या कर दिया, ऐसे डिप किया, तो सात नेल या पांच नेल या दो से ज्यादा ही नेल क्या होंगे, यहां पर अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब यहां की पोल स्ट्रेंथ कम हो गई और यहां की पोल स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट का जरा वाला फलसफा क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो थ्योरी, ठीक है। तो अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर, बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने में। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं स्टोरी वगैरह बता करके, कि बेसिकली ये पोल्स जो है इनकी स्ट्रेंथ जरूरी नहीं है कि सेम होगी, इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग भी हो सकती है, समझ में आ गया। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं। अगर फिजिक्स में चीज़ों को मेजर करते हैं तो इनकी पोल स्ट्रेंथ को भी क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और वही पोल स्ट्रेंथ को हमने डिनोट किया प्लस एम से और माइनस एम से। प्लस एम जो पोल स्ट्रेंथ है ये नॉर्थ पोल के लिए लिया जाएगा और माइनस एम जो पोल स्ट्रेंथ है वो साउथ पोल के लिए लिया जाएगा, समझ आ गया। तो प्लस एम की पोल स्ट्रेंथ क्या है, नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है प्लस एम, साउथ पोल की पोल स्ट्रेंथ क्या है माइनस एम, समझ आया, क्लियर है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है, क्लियर हो गया, याद रखिएगा आप लोग अभी इसको, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे ही एक आइसोलेटेड इमेजिन किया मैंने थ्योरेटिकली समझने के लिए, कि मेरे पास क्या है, एक नॉर्थ पोल है जिसका पोल स्ट्रेंथ क्या है प्लस एम। तो देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो नॉर्थ है ना, ये तो नॉर्थ ही ऑब्वियसली, प्लस एम है मतलब नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में भागेगा। इस डायरेक्शन में क्यों भागेगा, क्योंकि ये इसको रिपल कर रहा है, रिपल करने का मतलब फोर्स लगा रहा है। सवाल ये है वो फोर्स कितना लगा रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ना बच्चों, वो फोर्स लग रहा है प्लस एम इंटू बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं उसको। अभी फिलहाल याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि नहीं है आपके सिलेबस में भी, चीज़ें काटी गई हैं और आप इलेवेंथ में पढ़ते ही गए बच्चे, ठीक है। तो जो प्लस एम है वो क्या करेगा, देखो प्लस एम जो है फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। प्लस एम मतलब क्या, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल पे क्या लग रहा है, फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ नॉर्थ ही लिख देता हूँ मैं, और नॉर्थ का क्या था प्लस एम, तो इस वजह से प्लस एम यहाँ पर लिया। अगर यहाँ आइसोलेटेड साउथ पोल मैं इमेजिन करूँ डेरिवेशन के लिए, तो मुझे क्या है, मुझे पता है कि नॉर्थ पोल उसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके तरफ यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस एम इंटू बी, क्या होगा माइनस एम बी, क्या होगा ये हो जाएगा आपका माइनस एम बी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग बहुत अच्छे से कि नॉर्थ पोल पे क्या लगता है, बेसिकली अगर आप क्या करेंगे, नॉर्थ पोल को वहां पर रखेंगे तो फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है, समझ में आएंगे। फील्ड का डायरेक्शन ये है, क्यों, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपल करेंगे तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। और साउथ पोल पे क्या होता है, फील्ड का डायरेक्शन ये है, देखो फील्ड का डायरेक्शन ये है, साउथ पोल पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। बस समझ में आ रही, क्लियर है, पहली बेसिक चीज़ तुमको मैंने क्लियर करा दी, ठीक है, पहली बेसिक चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी बेसिक चीज़ पे आते हैं, दूसरी बेसिक चीज़ इसमें लगने वाली है अपने को क्या, टॉर्क, क्या लगने वाला है, टॉर्क। ये टॉर्क क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनिएगा, टाउ बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार, ये टाउ बार का फॉर्मूला है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, R बार क्रॉस F बार, इसको अगर ओपन करेंगे तो इट विल बी आर एफ साइन थीटा, दिस इज टाउ। तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा आपका आर एफ साइन थीटा, थीटा आर और एफ के बीच का एंगल है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टाउ, टाउ होता है आर एफ साइन थीटा, क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरी चीज आपको जो लगने वाली है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा वेन थीटा इज स्मॉल, समझ में आ गया, ये चीज आपको लगने वाली है। चौथी चीज, अभी तो डेरिवेशन स्टार्ट ही नहीं किया है, अभी तो सिर्फ मैं आपको बेसिक्स करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद चौथी चीज जो आपको इसके अंदर लगने वाली है वो है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या है वो, मैग्नेटिक मोमेंट,
मैग्नेटिक मोमेंट का जो नोटेशन लिया है आपकी बुक में वो है म्यू बार। समझ में आ गया, कुछ किताबें म्यू बार भी लेती हैं, ज़्यादातर मैं तो कैपिटल एम बार लेता हूँ, लेकिन म्यू बार दिया है तो म्यू बार चलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। मैग्नेटिक मोमेंट का आपके पास जो फॉर्मूला होता है ये होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ मतलब एम है ना, पोल स्ट्रेंथ मतलब एम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, दोनों पोल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। समझ में आ गया, क्लियर है। अगर मैंने ऐसे कोई बार मैग्नेट लिया नॉर्थ साउथ, तो इनके बीच का डिस्टेंस अपन 2L मानते हैं। अब बोलेंगे L क्यों नहीं मानते, L इसलिए नहीं मानते क्योंकि फिर अपने को यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे तो L by 2 हो जाएगा और कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है, तो इस वजह से उसको 2L माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये मैं बताऊंगा आगे जाकर के, अभी फिलहाल याद रखो ये क्या है 2L। 2L मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। लिख करके देता हूँ पहले मैं, म्यू क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, और दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस को मैं क्या मान रहा हूँ, 2L मान रहा हूँ। तो ये अपना क्या है, पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है m इंटू 2L। समझ आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से जो बेसिक तुमको रिक्वायर्ड था वो तो मैंने तुमको यहाँ पर बता दिया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो भाई, ये अपने को समझ में आता है। अब जो है अपन क्या करेंगे, डेरिवेशन पे जाएंगे और उसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। पहले इसको अच्छे से समझ लेना जो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर हो गया, आ जाओ देखो ध्यान से में। अभी अपन क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, मतलब वो जो रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है। समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपन ने ले ली। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ध्यान से देखना, बुक में पहले ही टेढ़ा करके दिया है, पहले टेढ़ा नहीं होता है मैग्नेट, पहले मैग्नेट कुछ इस तरीके से होता है इस पोजीशन में। समझ में आ गया, मैग्नेट जो है पहले इस पोजीशन में होता है। ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या होता है, आपका मैग्नेट होता है, और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यहाँ से नॉर्थ से निकल करके साउथ पे जाती है, एंड नहीं होती है, तो ये आपका नॉर्थ पोल है और इस साइड पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। वो बना नहीं रहा हूँ मैं, अभी तुमको इमेजिन करना है वो। ठीक है, क्लियर है। तो इस साइड पे अपना नॉर्थ पोल है और ये अपना क्या है, साउथ पोल है। समझ आया, क्लियर है। अभी ये बिल्कुल क्या हो रहा है, ऐसे ही है। क्यों ऐसा है, ऐसे ही रहेगा ये, क्यों ऐसे ही रहेगा, नॉर्थ को नॉर्थ रिपल कर रहा है तो नॉर्थ अपना मुंह उधर करके रहेगा, नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट कर रहा है तो साउथ अपना मुंह इधर करके रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि इस पे यहाँ पर इस पोजीशन पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों टॉर्क नहीं लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा, है ना। तो नॉर्थ को रिपल कर रहा है, हाँ सर रिपल कर रहा है, ये फोर्स हो गया। समझ में आ गया, नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, नॉर्थ साउथ को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। अब ये जो आर है, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, यही तुम्हारा आर है और यही तुम्हारा फोर्स है। एंगल कितना है, जीरो। देखो यही आर है तुम्हारा, यही आर है और यही तुम्हारा क्या है, फोर्स है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। एंगल जीरो मतलब क्या, साइन जीरो इज जीरो, मतलब टॉर्क क्या है इस पोजीशन पे, जीरो। तो टॉर्क नहीं लग रहा है, इस वजह से वो रोटेट नहीं करेगा। समझे क्या बोल रहा हूँ, तो इनिशियल पोजीशन उसकी ये होती है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है समझने की कोशिश करो। अब जो है इसके बाद समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। अब मैं इसको हल्का सा यहां से हिट करता हूं, ध्यान से देखना। स्टेप टू पे जा रहा हूं, स्टेप वन कंप्लीट हो गया, ऐसे ही रखा हुआ है, इस पे कोई भी फोर्स, इस पे टॉर्क तो लग रहा है कि नेट टॉर्क क्या है, बेसिकली जीरो है। फोर्स लग रहा है, नेट टॉर्क क्या है, जीरो, इसे रोटेट नहीं करेगा। हल्का सा मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से हिट कर दिया। जैसे मैं इसको हिट करूंगा तो हिट करने के बाद बच्चों ये कुछ इस तरीके से पोजीशन एक्वायर कर लेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके से क्या करेगा, पोजीशन एक्वायर कर लेगा। समझ में आती बात, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, पोजीशन एक्वायर कर लेगा। अब ये तो नॉर्थ पोल है, ध्यान से देख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है, साउथ पोल है। ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अभी मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगता है, देखो ये नॉर्थ है वो नॉर्थ है, ये फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या करेगा, ये नॉर्थ वो नॉर्थ को क्या करेगा, अपोज करेगा, तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये नॉर्थ है इस साइड पे, ये आपका साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इधर लगेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो जैसे ही आप क्या करते हो, उसको कुछ ना कुछ ऐसे हिट करने पे कुछ एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने पे यहाँ गया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाता है, ऐसे जा करके यहाँ पर रुका और रुक रहा है, चल क्यों रहा है, क्योंकि मैंने एनर्जी दी, मेरे एनर्जी देने की वजह से क्या होगा, उसके पास कुछ मोमेंटम आएगा, मोमेंटम की वजह से यहाँ तक पहुँचेगा।
लेकिन अब ये फोर्स एक इधर लग रहा है और एक फोर्स नीचे लग रहा है। जैसे साइकिल का हैंडल आप क्या करते हो, रोटेट करते हो, ऐसे एक फोर्स इधर लगाते हो, एक फोर्स इधर लगाते हो, ऐसे रोटेट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, ये इसको रोटेट कर देगा। समझ में आ गया? अब उस पर लग रहा है टॉर्क। समझ आ रहा है क्यों? ये आपका दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये देखो ये आपका आर है और ये आपका क्या है, ये आपका एफ है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, थीटा। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर टॉर्क जीरो नहीं है। ये क्या करेगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, आसान भाषा में समझ में आता है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये इसको क्या करेगा, ऐसे रोटेट करवा देगा। ठीक, शुरुआत में कैसा था, वापस से बता रहा हूँ, शुरुआत में आपका मैग्नेट ऐसा था, इस पर फोर्स लग रहा है लेकिन नेट टॉर्क क्या है, जीरो है, है ना? समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि आर और एफ के बीच में एंगल जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो नेट टॉर्क जीरो हो गया। आपने इसको हिट कर दिया, हिट करने के बाद ये एनर्जी की, कुछ एनर्जी दी ना आपने, उसके वजह से यहां तक पहुंचता है। अब जैसे ही यहां तक पहुंचता है तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां तक पहुंचता है तो अब ये होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक पहुंचेगा तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल पे इधर फोर्स लग रहा है, साउथ पोल पे इधर लग रहा है, बताओ क्या होगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखे ऐसे था, इसको हिट किया तो ऐसे हो गया, अब नॉर्थ पोल पे इधर लग रहा है, साउथ पोल पे इधर लग रहा है, ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, लेकिन ये यहां से रोटेट करता हुआ यहां पर आएगा और रुकेगा नहीं, क्यों? एनर्जी आ गई है ना। कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो जब यहां जाकर के जब रिटर्न आता है तो मीन पोजीशन पे रुकता थोड़ी है, उस पोजीशन को ओवरशूट करता हुआ उधर चले जाता है। तो ये पहले ऐसे था, हिट किया मैंने, हिट करने के बाद यहां पहुंचा, इस पर टॉर्क लगा, यहां आएगा, उसके बाद एनर्जी है ना, कुछ मोमेंटम गेन कर लिया उसने यहां आते आते आते, उसके बाद ये इधर चले जाएगा, उसकी पोजीशन ये हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहां पर लगेगा इस पे इधर पे टॉर्क, यहां पर लगेगा इधर पे, वो समझ में आ गया। अब ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे रोटेट कर देगा। समझ आ गया? यानी ये ऐसा ऐसे था, अब ये ऐसा 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 वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, अब समझ में आ गया। ये पहले बच्चे को समझाना है कि वो एक्चुअली वाइब्रेट हो रहा है और ऐसे शुरुआत होती है उसकी। तो पहले ऐसे था, हिट किया, यहां तक गया, टॉर्क ने उसको यहां तक लेकर आया, लेकिन वो उस पोजीशन पे रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, इधर चले जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। यहां से क्यों आया, फिर से वही कहानी, इधर पे नॉर्थ पोल पे इधर, साउथ पोल पे इधर, ये टॉर्क क्या करेगा, इसको ऐसे घुमा देगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या करेगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब मैं इसको रब करता हूं, मैंने कॉन्सेप्ट तुमको समझा दिया, अब मुझे क्या करना है। अब ये तो तुमको समझ में आ गया कि वाइब्रेट कर रहा है, अब ये वाइब्रेशन का मुझे टाइम पीरियड निकालना है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब मैं तुमको उसको टाइम पीरियड निकाल के देता हूं। तो ये एक पोजीशन ही आपकी बुक में दिया हुआ है, ये होता है बुक से पढ़ना और टीचर का पढ़ाने में फर्क, है ना? तो देखो ध्यान से, ठीक है, चलो ये हो गया। अब जो है यहाँ पर, यहाँ पर ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो है 2L। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब क्या, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं उसके बिना ही कर दूंगा। देखो ध्यान से, मुझे ये पता है कि इस पे यहाँ पर फोर्स लग रहा है और इस पे यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इधर पे कितना लग रहा है, प्लस एम बी लग रहा है, इधर पे कितना लग रहा है, माइनस एम बी लग रहा है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 2L है। समझ में आ गया? ये वाले एंगल को अपन क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को समझ में आता। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है अपने पास, ये अपन ने लाइन को खींचा, ये ऐसे किया, समझ में आ गया? क्लियर है? तो याद रखिएगा, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, थीटा बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। क्लियर हो गया? अब क्या है, इसके बाद आगे की कहानी क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। तो अब क्या हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सबसे पहले ये समझ में आ गया कि जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो उस पर क्या लगने वाला है, टॉर्क लगने वाला है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, आर एफ साइन थीटा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे पास फॉर्मूला है। अब जो है इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है समझने की कोशिश करो। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एक और चीज यहां पर बतानी है। क्या बताना है, मुझे बताना है बट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। हमने थीटा को बहुत छोटा माना है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या, टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ, क्या बताया था मैंने आपको, एम बी। कोई भी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों एम इंटू बी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, एम इंटू बी हो जाएगा।
बात समझ में आ रही, क्लियर है? ये मुझे समझ में आता है, ये आर क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये मेरे पास क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, है ना? तो ये कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है मेरे पास, ये डिस्टेंस है 2L। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2L m, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? ये मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, ये m into 2L क्या होता है, ये तो म्यू होता है, तो ये तो मेरे पास ये हो जाएगा टाओ into, एक और चीज रह गई ना, थीटा रह गया, इसको तो थीटा लिखा अपन ने, तो आर एफ क्या हो जाएगा, थीटा, और ये एफ की जगह पर एम भी आया, थीटा अपनी जगह पर, ये थीटा अपनी जगह पर, एम इंटू 2L क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, क्या होता है, म्यू, ये होता है म्यू, ये हो जाएगा बी और ये थीटा, तो टाओ क्या आया, म्यू बी थीटा आ गया। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, टाओ इज इक्वल टू म्यू बी थीटा लिख दिया। टाओ को क्या लिखा जा सकता है, आई अल्फा लिखा जा सकता है, मैं जानता हूं टाओ का एक और फॉर्मूला है अल्फा, रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेरे पास यहां पर अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा म्यू अपॉन आई, और ये क्या हो जाएगा, बी थीटा। समझ में आ गया, क्लियर है? ये ऐसे हो गया, तो देखकर ही मुझे समझ में आ रहा है अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा, माइनस तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि वो क्या है, मैंने मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। समझ आया, क्लियर है? तो इसका मतलब ये यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यानी इट इज परफॉर्मिंग, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर SHM, ये एंगुलर SHM परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, पार्ट हो गया। तो अल्फा क्या लिखा मैंने, अल्फा लिखा म्यू बी अपॉन क्या होगा, आई इंटू थीटा, ये मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे टाइम पीरियड इसका निकालना है। अब टाइम पीरियड मैं कैसे निकालूंगा, आइए मैं उसको आपको समझाता हूँ, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भैया इसको देख लो अच्छे से, इसका टाइम पीरियड मैं निकाल दूँ, ठीक है? चलो आ जाओ, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बच्चों 2π/ω। क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2π/ω, मेरे पास क्या होता है, ओमेगा होता है, ठीक है ना? अब यहां पर जो है, यहां पर जो है, इस ओमेगा को कैसे आप रिप्लेस करेंगे, तो वो आपको समझना है अभी, ठीक है? चलो भी देखो, समझाता हूं मैं। अल्फा अपने को क्या क्या मिला, अल्फा अपने को क्या क्या मिला, एक्सप्रेशन एक बार देख लें जरा टेक्स्ट बुक में, याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, मैं सीधा फटाफट उसको डिराइव कर लेता हूँ, ठीक है? कितना याद करते बैठेंगे, फेसेस जो होता है याद करने से कतराता है, वो चाहता है जितना कम याद हो उतना बेहतर है, ठीक है? चलो ये भी हो गया, म्यू बी थीटा बता दिया है, ये भी सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद जो है, ये जो आपके बुक में है, ये आपको बता दूँ मैं ये कैसे किया है। जैसे अल्फ़ा क्या लिखा है, अल्फ़ा है आपका माइनस म्यू बी अपॉन आई, और ये इंटू थीटा है, ठीक है? ये अपने को समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, ये क्या है इसको समझो। अगर ऐसा लिखते a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो a की जगह पर ये तो लीनियर एक्सटेंशन के लिए था, तो a के लिए क्या है अल्फा, और x के लिए क्या है आपका थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आएगा, म्यू बी अपॉन आई आ जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई, समझ आ गया? तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर t is equals to 2π/ω, ओमेगा क्या है, ओमेगा है अंडर रूट ऑफ म्यू बी अपॉन आई, यानी हो जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ आई अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू बी। तो ये आपका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। समझ में आया, क्लियर है? तो टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो आपको निकाल के दे दिया मैंने, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा टिल्ड करके रखो, टॉर्क का फॉर्मूला लिख दो, नहीं भी पता है कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं। टाओ इज इक्वल टू क्या होगा, आर एफ साइन थीटा लिख दिया तुमने, साइन थीटा को थीटा पुट कर दिया, एफ का क्या पुट कर दिया, एम इंटू बी पुट कर दिया, हो गया काम, कुछ है ही नहीं, टाओ का आया अल्फा पुट कर दो, हो गया डेरिवेशन, और फिर इसको इससे कंपेयर करना और ओमेगा स्क्वायर लिख देना, तो ओमेगा स्क्वायर ये है। समझ में आ गया, क्लियर है? ये बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमको समझाने के लिए था, एग्जाम में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ये आ गया, तो ओमेगा की जगह पुट कर दिया तुमने, इस तरीके से तुमने इसको कर लिया, एकदम आसान है, ठीक है? टॉर्क में पढ़ाने लायक का बहुत है, मैं तो 2-3 लेक्चर सिर्फ टॉर्क पढ़ाता हूँ रोटेशन डायनेमिक्स में, इस वजह से नहीं कर रहा है, वो बहुत लंबा जाएगा, कम से कम 1 महीने का टॉपिक है वो पढ़ाने पे जाऊंगा ना मैं रोटेशनल डायनेमिक्स, अरे बाप टॉपिक है रोटेशनल डायनेमिक्स, जबरदस्त टॉपिक एकदम। तो अभी जितना तुमको बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड था उतना तो मैंने करा ही दिया है, ठीक है? वो तुमने कर लिया होगा, ठीक। चलो भाई आ जाओ, इसके प्रॉब्लम जल्दी से करा देता हूँ मैं भी आपको,
एग्जाम्पल 5.12 ये आपसे क्या कहता है, बार मैग्नेट का आपके पास मास है, एक बार मैग्नेट आपके पास है, ऐसे ही होता है ना बार मैग्नेट, इस पे यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा, ठीक है। चलो उसके बाद आगे क्या है, मास इसका दिया हुआ है 120 ग्राम, यानी 120 × 10⁻³ किलोग्राम, SI में कन्वर्ट किया करो, ठीक है। इसके डायमेंशन दिए हुए, लेंथ इज 40 mm, यानी क्या 40 × 10⁻³ मीटर, और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 10 mm, यानी 10 × 10⁻³ मीटर, समझ में आ गया। और हाइट कितनी दी गई है 80 mm, 80 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। विथ एच डायमेंशंस, विद द डायमेंशन एच वर्टिकल, द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद अ पीरियड ऑफ पाई सेकेंड। पाई सेकेंड के पीरियड से क्या करता है, ये ऐसे ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, विद द डायमेंशन ऑफ एच। ये इसकी अगर हाइट मान ली जाए तो ऐसे ये क्या कर रहा है, ऐसे एंगुलर एस एच एम क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। विद अ मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज म्यू इज 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वेयर, डिटरमाइन द इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। आपको इन्फ्लुएंसिंग क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अभी मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दिया क्योंकि टाइम पीरियड की इन्फॉर्मेशन दी गई है, ज़्यादा कुछ वेरिएशन कर नहीं सकता है, वो यही देगा आपको टाइम पीरियड वगैरह निकालने। 2π√ क्या होता है, आई अपॉन म्यू बी होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई अब उसके बाद क्या, ये क्या चीज़ है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने रोटेशन डायनेमिक्स में सीखा है, क्या फॉर्मूला होता है इसका, आई इक्वल्स टू एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, ये इसका फॉर्मूला होता है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। 3D आप रॉड मान लो तो उस तरीके से, तो आप क्या कर दोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख दोगे, इसको आप क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना पड़ेगा भाई, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास कितना है, 120 × 10⁻³ इंटू एल का स्क्वायर, एल का इसको क्या कर सकते हैं, इसको 10⁻²² कर लो ना, है ना, और इसको भी 10⁻²² कर लो तो पूरा ही जाएगा 10⁻²² मीटर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो, समझ में आ गया होगा क्या किया मैंने, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एल का स्क्वायर मतलब 16 × 10⁻⁴ प्लस कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा इंटू 10⁻², स्क्वायर कर रहे हैं ध्यान रखना, डिवाइड बाय 12, ठीक है, 12 × 1 = 10 हो जाएगा 10⁻², ये 10⁻⁴ को आप लोग बाहर ले लो, इंटू 10⁻⁴, और 16 + 1 = 17, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 17 × 10⁻² कितना हो जाएगा, -6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, आई हो गया, बात समझ में आ रही, क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया, अब टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π√i अपॉन क्या होता है, म्यू बी होता है, व्हाट इज टी, टी इज पाई, तो 2π√i, आई क्या है आपके पास, आई आपके पास है 17 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय म्यू कितना है 3.4 मल्टीप्लाइड बाय बी अपने को निकालना है, ठीक है, ये लोग आप इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देंगे तो अपना कैलकुलेशन के लिए जगह मिल जाएगी, आ जाओ। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास पाई और पाई को कैंसिल कर दो तो ये जाएगा 2 को यहाँ भेज दिया 1/4 हो जाएगा, 17 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3.4 × b, ऐसा है, बी को पहले वहाँ भेजो, इसको 10⁻¹ करो, बी को वहाँ भेज दिया मैंने, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ में आ गया, ऐसे आ गया, ठीक है, और × 10⁻¹ 17 × 1 = 17 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है, नहीं पता है रट्टा मार लो अभी, अब है तुम्हारी बुक में रट्टा मारने के लिए, अब क्या करूँ मैं, ठीक है, याद करना पड़ेगा 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, समझे, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाले प्रॉब्लम है यार, इसमें क्या बताना, एकदम आसान है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चलो भी इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखो ध्यान से, इसके बाद जो है लास्ट प्रॉब्लम है इसका 5.13 एग्जाम्पल, ये क्या कहता है, 2 मैग्नेट्स विथ सेम डायमेंशन एंड मास, डायमेंशन सेम है, यानी L1 = L2, B1 = B2 और H1 = H2, है ना, 2 मैग्नेट्स आपके पास, उनके डायमेंशन सेम है, मास भी सेम है,
M1 equals to M2, ये भी आपको सेम दिया गया है. बट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग है. μ1 इज 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर. μ1 इज 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड μ2 इज 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ठीक है ना. अब जॉइंटली सस्पेंडेड, जॉइंट करके सस्पेंड किया दोनों को, समझ में आ गई, इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन. ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया. व्हेन द लाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, उनके लाइक पोल्स को क्या कर दिया गया, अगर ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है, द पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम इज 5 सेकेंड. ठीक है, और द व्हेन द फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम व्हेन अनलाइक पोल्स आर जॉइन टुगेदर. समझ में आ गया. अब क्या बोलता है, अगर लाइक पोल्स को ज्वाइन किया गया है, यहाँ नॉर्थ और ये इधर भी नॉर्थ, समझ में आ गया. ठीक है ना, इसका आप इसको ऑसिलेट करवाने हैं, ऑसिलेट कर रहा है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, अगर इसको ऑसिलेट करवाने हैं तो उसका जो टाइम पीरियड आया लाइक वाले में, लाइक पोल्स में कितना बोला उसने बोला है 5 सेकेंड बोला है. ठीक है, तो अनलाइक वाले में कितना आएगा ये आपको पूछा है. तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जब क्या होता है, लाइक पोल्स एक साथ आएंगे तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट में ऐड हो जाएंगे. और जब क्या होगा नहीं पता है तो अब याद करना पड़ेगा, क्योंकि है बुक में वैसा ही. व्हेन, लिख देता हूं मैं, लाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, लाइक पोल्स अगर जॉइंट होंगे तो म्यू नेट जो हो जाएगा वो जाएगा μ1 + μ2. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, वो जाएगा 150 एम्पियर मीटर स्क्वायर. समझ में आ गया. और व्हेन अनलाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर देन म्यूनेट जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, इसको ऐसे बोलो म्यू लाइक्स और म्यू अनलाइक, म्यू यू एल, तो μ1 - μ2 हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका 100 में से 50 जाएगा तो बचेगा 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर. समझ में आ गया, क्लियर है. टाइम पीरियड का एक्चुअल जो फॉर्मूला बनना चाहिए ना, वो बनना चाहिए 2π√i/μ effective × b. समझ में आ गया. जब लाइक पोल्स को ज्वाइन किए तो क्या कर देना, उसमें μ1 + μ2 लिखने का, और अनलाइक को ऐड किए तो क्या करने का, ज्वाइन किया तो μ1 - μ2 लिखने का. ठीक है, अब जब लाइक वाला केस होगा तो फॉर्मूला बनेगा 2π√i, सब सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ सेम है, मास सेम है, तो आई तो सेम होगा, लाइक है तो μ1 + μ2 हो जाएगा. समझ में आ गया. और इंटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो मेरे को समझ में आ रहा है. और अनलाइक अगर आएगा तो क्या होगा, 2π√i/ क्या हो जाएगा, μ1 - μ2 × क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. क्लियर हो गया. ठीक है, अब क्या आप कुछ बचा ही नहीं है, अब दोनों को डिवाइड कर दो सीधा सीधा, है ना, जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा. देख लो, जैसे ही डिवाइड करोगे 2π/2π कैंसिल होगा, √i/√i कैंसिल हो जाएगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो टी लाइक अपॉन टी अनलाइक इज इक्वल टू √, अनलाइक वाले में क्या आया μ1 - μ2, उल्टा आएगा ना क्योंकि नीचे है ना, रेसिप्रोकल है, डिवाइड बाय क्या होगा, μ1 + μ2, दोनों को डिवाइड करके आएगा. ये 5 सेकेंड है, ये अपने को निकालना है, ये कितना है, ये 50 आया, ये 150 आया, इन्होंने कैंसिल हो गया, 5 1 = 5 3 = ठीक है, बचेगा क्या बताओ, बचेगा क्या, बचेगा 25 TUL 1/3, है ना, 25 × 3 = 75, ठीक है, 25 × 3 क्या होगा, 75 स्क्वायर हो जाएगा ना, ये भी TUL का स्क्वायर. ठीक है ना, क्लियर हो गया. अब क्या बचेगा, अब तुम्हारे पास 25√3 बचेगा, 25 × 3 स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा 5 √3 बचेगा, क्या बचेगा, 5√3 सेकेंड. समझ में आ गया, क्लियर है, 5√3 वही है, √75 उसने उसको लिख दिया है, √3 को तुम पुट कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 1.73 पुट करोगे तो 8.66 सेकेंड आ जाएगा. समझ में आया, क्लियर है. तो ये वाला पार्ट तुम्हारा मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया, पहले मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, डेरिवेशन अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद कर लेना, तुमको बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं ना समझ में आए होंगे, मैंने पूरी कोशिश की है बेस बनाने की, लेकिन फिर भी बच्चों को पूरी क्लैरिटी नहीं आती है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं हो मैग्नेटिज्म, उनको मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पता, मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता, तो बोर्ड चाह रहा है रट्टा मार लो, तो इक्का दुक्का तो रट्टा मार सकते हैं. समझाया है मैंने पूरा, अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो स्टेप्स को याद रखो, टाओ को निकाल लो, टॉर्क निकाल लो, आर एफ साइन थीटा वो पुट करो, साइन थीटा को थीटा रखो, एफ को एम बी लिखो, बाकी सारी चीज़ें पुट करके अल्फा निकालो, टाइम पीरियड निकालो, हो गया काम. समझे, क्लियर हो गया. तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो याद रख सकते हैं, इतना मैंने करा दिया है आपको,
ठीक है हो गया। अब उसके बाद कल जो है मैं SHM कंप्लीट कर दूंगा। अभी बीच में तुम्हारा एक दिन नोटिफिकेशन आ गया, अगले दिन मुझे पूरा एनालिसिस करने में पूरा एक दिन चला गया, इस वजह से नहीं हुआ, वरना संडे को ही कंप्लीट कर चुका होता मैं। तो ये दोनों टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट कर दिए, सुपर पोजिशन को एकदम लास्ट में कराऊंगा ताकि सुपर पोजिशन और वेव के साथ में वो लिंक्ड रहे, ये लॉजिक है उसके पीछे का, एकदम आखिर में कराऊंगा। डैम्ड ऑसिलेशन और फ्री फोर्स वाइब्रेशन जो बच गया है वो सिलेबस से तो निकाल दिया है, लेकिन आपको पढ़ना है जेई वालों को। तो फ्री फोर्स ऑसिलेशन तो सबको पढ़ना है, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस, ये सबको पढ़ना है, लेकिन डैम्ड ऑसिलेशन सिर्फ जेई वालों को पढ़ना है, समझ में आ गया। सुपर पोजिशन तो सभी को पढ़ना है, समझ में आ गया। तो आखिर वाला टॉपिक जो है वो सबको पढ़ना है। अभी जो कल का लेक्चर होगा कल मैं कंप्लीट करा दूंगा इंशाल्लाह, कल के लेक्चर में जो डैम्ड वाला है वो अगर बोर्ड के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, क्या लगा। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो हमको बताइए, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।